हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स की जिसका आज के टाइम पे काफी ज्यादा कंपटीशन है एंड काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं इन दोनों कार्स के बीच में कि किसको चुना जाए और किसको नहीं चुना जाए। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा एंड टाटा नेक्सॉन की। वैसे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में इन दोनों का काफी टाइम से कंपटीशन चल रहा है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों कार्स के बारे में और जानेंगे इनमें क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स हैं और आपको कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो गाइस, अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन की, तो टाटा नेक्सॉन दो वेरिएंट में आती है। एक है इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक है इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो यार, अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं, तो अगर आपको डीजल इंजन ऑप्ट करना है तो इस कार का, तो आप बिना किसी सोचे समझे आप इसका डीजल इंजन पे जा सकते हैं। इसका डीजल इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड ये कार डीजल में अच्छी इकोनॉमी भी निकाल के देती है। अब बात करते हैं गाइस इसके पेट्रोल इंजन की। तो अगर मैं इसके पेट्रोल इंजन की बात करूं, तो ये आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जिसमें 3 सिलेंडर ऑप्शन आपको मिलता है। 3 सिलेंडर होने के वजह से इसमें आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होगी। तो ये 3 सिलेंडर इंजन का नेचर है यार, आपको जब भी आप कोई भी 3 सिलेंडर गाड़ी ले लो आपको उसमें वाइब्रेशन मिलेगी। एंड सेम गोज टू टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन में भी आपको वाइब्रेशन का इशू देखने को मिलेगा। बात की जाए गाड़ी के और एक्सपेक्ट्स की, तो गाड़ी का अगर मैं देखूं जाए, ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बात की जाए कार के इंटीरियर्स की, तो कार का इंटीरियर्स भी काफ़ी क्लासी है एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है कार में वो भी काफ़ी अच्छी है। बट यहीं पर अगर आप देखोगे तो इस कार में आपको फिट एंड फिनिश के इशू भी देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ टाटा नेक्सॉन में नहीं, टाटा की और भी कार्स में आपको फिट एंड फिनिश के इशू देखने को मिलते हैं। सो अगर गाइस बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो सिटी में जो इसकी परफॉर्मेंस है ये टर्बो इंजन के साथ आती है एंड टर्बो इंजन में आपको एक टर्बो लैग देखने को मिलता है। अगर आप इसको सर्टेन आरपीएम से नीचे चलाओगे तो वो इसमें आप इस कार में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप इसको एक सर्टेन आरपीएम के नीचे चलाते हो तो इसमें आपको एक टर्बो लैग फील होगा सिटी में। सो गाइस, अगर बात की जाए इसके हाईवे परफॉर्मेंस की, तो हाईवे में ये कार बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। हाईवे में आपको एक अच्छा माइलेज भी निकाल के देती है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने 20+ के माइलेज भी टाटा नेक्सॉन में अचीव किए हैं पेट्रोल वर्जन में, वो भी हाईवे पे। तो यस, ये हाईवे पे आपको एक अच्छा माइलेज भी देगी, उसके साथ साथ आपको जो ये हैंडलिंग प्रोवाइड करती है हाईवे में वो ज़बरदस्त है। जो स्टेबिलिटी आपको इस कार में मिलेगी हाईवे में वो आपको शायद और कार्स में ना मिले, डिस्पाइट कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भी कार में एक कोई बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा, काफ़ी स्टेबल चलती है ये हाईवे में। तो अगर हाईवे में मैं कंपेयर करूँ इसको और कार से, तो ये हाईवे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और कारों के मुकाबले। सो अगर मैं समराइज़ करूँ टाटा नेक्सॉन के पॉइंट्स और टाटा नेक्सॉन में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इस कार में आपको मिलता है एक ज़बरदस्त कम्फर्ट। तो कितना भी लंबा आप ट्रैवल करते हो, कितनी भी लंबी जर्नी आप करते हो कार में, आपको इस कार में वो थकान फील नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जहाँ कार की सस्पेंशन की, तो इस कार के सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे ट्यून किए गए हैं। आपको किसी भी ऑफ रोड पैच में अगर आप कार को ले जाते हो या आप किसी ऐसी रोड में कार ड्राइव करते हो जहाँ पे रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस वाली रोड्स पे भी ये कार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है एंड आपको कहीं भी डिसकम्फर्ट या आपको फील नहीं होने देगी, बहुत ही कंफर्टेबल राइड आपको ये देगी। बात की जाए कार की हैंडलिंग की, कार की हैंडलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जो इश्यूज हमारे को मारुति की कार्स में आते हैं, मारुति की कार्स के स्टेयरिंग जो फीडबैक रहता है, इसका स्टेयरिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा है। इसका स्टेयरिंग जितना सिटी में लाइट है उतना ही हाईवे में आपको वो स्टेयरिंग हार्ड फील होगा, जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आपकी कार को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा हाईवे पे। तो साथ ही साथ गाइस, टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी के बारे में तो हम सभी को पता है, ये कार वन ऑफ द सेफेस्ट कार थी आज से कुछ समय पहले और अभी भी ये 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। तो अभी मैं बोलूँगा कि टाटा जो कार बना रहा है, ओवरऑल जो टाटा की जितनी भी कार्स आ रही हैं, सेफ्टी उनमें प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर टाटा की कार्स की तरफ जा रहा है। एंड मैं कहूँगा ये तो चीज़ें होनी ही चाहिए, अगर आप कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है सेफ्टी को प्रायोरिटी देना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ से और बढ़ के कुछ नहीं होगा गाइस। अगर आपकी लाइफ सेव है तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं अपनी सेकेंड कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की, जो है मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा जब से लॉन्च हुई है तब से इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तब से ये कार टाटा नेक्सॉन को कंपटीशन देती आ रही है फर्स्ट पोजीशन के लिए एंड कई बार इसने सेल्स के मामले में नेक्सॉन को पीछे भी छोड़ा है। सो गाइस, अगर बात की जाए मारुति ब्रेजा की, तो मारुति ब्रेजा को भी ने रिसेंटली कुछ टाइम चलाया है एंड उसके बारे में जो मेरा रिव्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर गाइस बात की जाए कार के लुक की, तो कार के लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं और पहले से ये कार अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड स्पेशली इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो
टोटली चेंज करी है कंपनी ने, और जो नया लुक आया है वो काफी अच्छा लग रहा है और काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो लुक वाइज अगर देखी जाए तो दोनों कार्स को अगर मैं कंपेयर करूं नेक्सॉन और ब्रेजा को, तो दोनों ही कार लुक्स के मामले में बहुत अच्छी है। एंड ये पर्सनल चॉइस हो जाती है आपकी कि आप किस कार की तरफ जाते हैं, आपको किस कार के लुक्स अच्छे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे ओपिनियन में दोनों के लुक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो बात की जाए कार के इंटीरियर की, तो कार के इंटीरियर में मैं जो प्लस पॉइंट देना चाहूंगा वो नेक्सॉन को देना चाहूंगा। नेक्सॉन के इंटीरियर मारुति ब्रेजा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं, बिकॉज मारुति ब्रेजा में जो प्लास्टिक यूज किया गया है उसके लिए मैंने आई गेस अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि मुझे प्लास्टिक को लेके थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज की गई है मुझे वो उतनी अप टू द मार्क नहीं लग रही है। तो अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर वाइज जो मैं पॉइंट देना चाहूंगा वो मैं टाटा नेक्सॉन को देना चाहूंगा। टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर मुझे ब्रेजा से ज्यादा अच्छे लगते हैं, एंड ज्यादा उसकी जो क्वालिटी यूज की गई है प्लास्टिक की इंटीरियर में वो ज्यादा अच्छी आपको नेक्सॉन में देखने को मिलेगी। तो बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये कार सिटी में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ आता है, एंड इसके एंड इसी वजह से ये कार काफी ज्यादा साइलेंट है और इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। बहुत ही अच्छा रिफाइंड इंजन है इस कार का, तो ये कार आपको सिटी में बहुत ही अच्छा माइलेज भी निकाल के देगी, एंड बिकॉज इसमें स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन आता है। इसमें एक लिथियम बैटरी यूज की गई है जो को पैसेंजर सीट के नीचे इंस्टॉल करी है कंपनी ने। जब भी आप आइडल पोजीशन में जाते हैं तो ये आपकी कार को पावर प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ इस माइलेज इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने इस कार में आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी दिया है। तो अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो ये कार टाटा नेक्सॉन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है, एंड ये आपको काफी ज्यादा अच्छी माइलेज देगी सिटी में टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू में ये कार आगे जाती है। बट बात की जाए कार के हाईवे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट देना चाहूंगा वो मैं टाटा नेक्सॉन को देना चाहूंगा, बिकॉज टाटा नेक्सॉन इससे ज्यादा स्टेबल रहती है हाईवे में। ये कार भी अच्छा है, ये कार भी अच्छी चलती है हाईवे में इस पर, बट जो मैं अगर कंपेयर करूं इन दोनों कार्स को तो टाटा नेक्सॉन हाईवे में ज्यादा स्टेबल है मारुति ब्रेजा के। बात की जाए मारुति सुजुकी के स्टेयरिंग फीडबैक की, तो इसका स्टेयरिंग काफी ज्यादा लाइट है, और एक इश्यू जो मारुति की मोस्टली कार में आपको देखने को मिलता है कि इसका जो स्टेयरिंग है वो ऑटो रोटेट होकर नहीं आता अपनी पोजीशन पे, तो इस कार में वो प्रॉब्लम थोड़ी कम है बाकी कार्स के मुकाबले। इसका स्टेयरिंग अपनी पोजीशन पे आता है बट प्रॉपर नहीं आता, बट बाकी अगर कार्स मारुति कार से कंपेयर करूं उससे अच्छा स्टेयरिंग है इसका और ये अपनी पोजीशन पे आता है। बात की जाए कार में कंफर्ट की, तो कार का कंफर्ट ठीक है, बट अगर बात वहीं मैं इसको कंपेयर करूं नेक्सॉन के साथ तो नेक्सॉन ज्यादा कंफर्टेबल है मारुति ब्रेजा से। मारुति ब्रेजा आपको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलती है जो कि एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग है, एंड ये कार मारुति की बाकी सब कारों में से सेफेस्ट कार है, एंड इसीलिए शायद कस्टमर इस कार को लेना पसंद करते हैं, बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूं मारुति की बाकी कार से तो ये आपको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो गाइस यही कुछ पॉइंट है जो मैंने इन दोनों कारों के बीच में फील किए हैं। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मे बी हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए मैंने अगर कोई पॉइंट मिस किया है। तो दोनों ही कार बहुत ही बढ़िया है, एंड इस समय दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को रूल कर रही है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी कार ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।